अच्छी बात नहीं है ये, एक तो रात में भी चला रहे हैं और ऊपर से पी के चला रहे हैं और ऊपर से रॉन्ग साइड जा रहे हैं। चोट लगा है ना आपको? हाँ, एक तो आप उल्टा साइड जा रहे हैं। अच्छा, नेपाल हो गया? देखिए वो बोर्ड लगा है ऊपर, उत्तरी भैंस का। ओह भाई, चुम्मी ले लें एक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाठशाला। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने कवर किया था अराउंड 300 किलोमीटर और आए थे दिरांग से पाठशाला तक, यानी कि असम हम लोग इंटर कर चुके थे। और असम जब भी हम लोग इंटर करते हैं तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है, तो इसमें भी नया हुआ है और दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में नया क्या हुआ है। कि कुछ लोग मिले थे, अच्छा लगा उन लोगों से मिल के, और अभी एक लोग और भी हैं उनसे भी मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले व्लॉग को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टीवी मदर, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ विंटर नॉर्थ ईस्ट राइड। टाइम हो रहा है करीब करीब 12:01 और हम लोग अभी हैं किसी एक ढाबे पे। पाठशाला से हम लोग निकल के अभी आ चुके हैं बाहर, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और बहुत ही क्राउडेड है, इसीलिए हम लोग सोचे कि पहले बाहर निकलते हैं, कहीं एक रुकते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलो और आप लोगों को एक मिलाते हैं किसी से। तो अभी हमारे साथ में है संजीव भाई और ये पाठशाला में ही रहते हैं। जब हम लोग यहाँ से गए थे तब भी पाठशाला में ही मिले थे यहाँ पे, और अभी फिर से इन्होंने हमें रोक लिया, हमें स्टॉक कर लिया, इस तरीके से स्टॉक किया कि भाई मिल के जाना। और तब बनाए बताएं संजय जी, बढ़िया लगा आप लोगों से मिलने से, बढ़िया लगा आप लोग। और आना मधुर भैया आसाम। बिल्कुल बिल्कुल, आसाम का तो ऐसा प्यार मिला है ना आसाम में, तो क्या ही बताएं। मतलब यहाँ से जहाँ जब भी हम लोग आसाम इंटर किए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर हुआ है, हम लोगों को मिला ज़रूर है। तो अभी ये कुछ लेके आए थे, पता नहीं क्या क्या था। ये दिखा देता हूँ मैं, ये है क्या? वैसे मैं जया या थम पहले ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ। सो ये क्या है? ओ भाई, माइक में आप पान लीजिए। अच्छा, क्योंकि वाइट कलर का है ये गंदा हो जाता है। लद्दाख फ्लैग भी हम लोगों ने बहुत बार लगाया, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको लगाएंगे घर पे। तो एक बार बोलिए जय हो। अभी यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज हमको बहुत दिन बाद मिला है आलू का पराठा, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर आप लोगों को सीधा मिलते हैं गोपुर। चले संजीव जी, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट आसाम के ट्रिप पे। हाँ, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। आसाम तो फिर से आना होगा और अच्छे से कवर करेंगे आसाम को, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट राइड थी पूरा फुल आसाम। तो बहुत अच्छे से नाश्ता वास्ता करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और घर वापसी जब होती है तो भाई सिर्फ मंजिल दिखती है, यानी कि सिर्फ घर दिखता है। तो आज का जो स्टे रहेगा वो रहेगा सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी यहाँ से 360 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है 1:24। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के राइड की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन हमारी धन्नो है भगवान, घर तो पहुँचाओगी नहीं पहुँचाओगी आज, मतलब आज नहीं घर पहुँचा देना सही सलामत धन्नो। चुम्मी ले लें एक। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो गियर है ना, ये है ढीला, तो इस ये ढीला ये बाहर चलते चलते गाड़ी बाहर आ जा रहा है, तो इसको ही थोड़ा सा सही करना है। कोई यहाँ पे भी मिल नहीं रहा है, तो हमारे पास में जो स्क्रूज वगैरह पड़े हुए हैं उन्हीं से मुझे ये थोड़ा टाइट कर देते हैं, क्योंकि अगर टाइट नहीं करेंगे ना तो फिर ये निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो फिर गियर डालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं तो सारी चीज़ें इसीलिए लेके चलता हूँ कि अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो छोटी अगर मोटी अगर हो, अब इंजन से रिलेटेड तो यार जाहिर सी बात है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर छोटी मोटी होती है तो फिर हम कर ही लेंगे। अब आई होप कि ये ना निकले और फाइनली चढ़ जाए मधुर धंधों की चढ़ाई कर दे। तो रुके हुए हैं अभी, टैंक फुल करा लेते हैं। ये कहाँ चल गया भाई? हाँ हाँ, फुल कर दो। 94 तुम चालू करो, 94.57 ठीक है यार, सही है,
सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमको बिहार में, जब बिहार क्रॉस करेंगे आई थिंक। अपना यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ हम, हमारा अपना ही होता है यार किसी और का कैसे हो जाएगा, हम किसी और का कैसे चलाएंगे ये बताओ। चलो भैया फाइनली बाय बाय असम, जॉय ओय ओखम, और इंटर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल। और जब वेस्ट बंगाल आप इंटर करते हैं तो इस तरीके की बरगेटी मिलती है, बिल्कुल सरिया वाली ये इस तरीके की बैरिगेटिंग, यानी कि वेस्ट बंगाल हम इंटर कर चुके हैं। अभी अलीपुरद्वार बचा हुआ है अराउंड 14 किलोमीटर। शाम का बज रहा है 4:46 और बहुत ही अच्छी राइड आज हुई है, मज़ा आ गया, मज़ा मतलब अराउंड 150 किलोमीटर, नो ब्रेक, बहुत सही राइड। तो हम लोग अभी रुके हुए थे यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता करने के लिए अलीपुरद्वार में, और हमारे भाई साहब निर्लिप्त तो मिल फिर मिलेंगे चलते चलते, प्लानिंग है। चलो ये भाई साहब जाएंगे अपने घर अलीपुरद्वार, और यहाँ से कितना किलोमीटर है यहाँ से? 15। ज़्यादा आ गए तुम हमारे चक्कर में प्यार है भाई, प्यार है प्यार। तो अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी की डिस्टेंस यहाँ से है अराउंड 160 किलोमीटर। 2 hours later The next day. सुबह का हो रहा है 10:44, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। और कल भाई हम लोग रुके हुए थे सिलीगुड़ी में, और यहाँ से कुछ एक्सट्रीम चेंजेस हो चुके हैं। और एक्सट्रीम चेंजेस में क्या हुआ है कि अब हम सिलीगुड़ी से हो चुके हैं अकेले सो कंटिन्यू यहाँ से जो हमारी यात्रा रहेगी वो रहेगी लखीमपुर खीरी तक, और यहाँ से लखीमपुर खीरी तक पहुँचना भाई साहब अपने आप में अलग ही मज़े हैं मज़े, क्योंकि 3 दिन लग जाएगा आराम से। जो जर्नी है वो ख़त्म हो रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं घर वापसी हो रही है हमारी। तो यहाँ से कंटिन्यू हम पहुँचेंगे अपने लखीमपुर खीरी तक, और जो हमारे साथ में शुभम भाई थे वो अभी रुके हुए हैं सिलीगुड़ी में, और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकल चुके हैं आगे, क्योंकि सिलीगुड़ी से आगे का जो रास्ता है वो हमें अकेले ही करना पड़ेगा। और शुभम भाई का तो ऑल इंडिया टूर है, तो वो निकलेंगे सिक्किम। जब आप देखते हैं राइड शुरुआत में, जो सीरीज़ की शुरुआत होती है, तो सीरीज़ की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसी रास्ते से उसी रोड से जब हम वापस जाते हैं तो उसमें क्या ही दिखाएं, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग अगर लगेगा बताने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा दिखाने के लिए, वही फिर हम लोग दिखाते हैं। सिलीगुड़ी से जो हम नया रूट ले रहे हैं वो ले रहे हैं अररिया होते हुए, बिहार में एक अररिया जगह पड़ती है, अररिया वाला जो रूट है वो वाला रूट हम लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हम आए थे तो वो पूर्णिया वाला रूट हमने लिया था। टाइम हो रहा है करीब करीब 10:48, नेक्स्ट डे लग चुका है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए वेस्ट बंगाल की बैरिगेटिंग इधर देखिए, सिरपोल को जोड़ के बैरिगेटिंग बना दिया है। हर एक गांव मतलब हर 2-3 किलोमीटर में ही इतने सारे रखे हुए हैं कि भाई क्या ही बताया जाए यार। एक चीज़ अच्छी भी है और एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता भी है कि ये बिल्ड क्वालिटी इसकी बैरिगेटिंग की कमज़ोर होगी, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि टेढ़े बहुत ज़्यादा हैं ये और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इन बैरिगेटिंग के ऊपर ना रिफ्लेक्टर चिपकाए हुए हैं, तो वो चीज़ एक अच्छी लगती है कि रात में दूर से ही दिख जाता है कि बैरिगेटिंग लगी हुई है। बिहार इंटर करना था भाई, बिहार जाना है। हाँ अररिया, अररिया अररिया जाना है। हाँ ओवरब्रिज में आप दाहिने टाने है ना? हाँ उसका ओवरब्रिज का नीचे से जाना चाहिए। अरे यार आप नेपाल में आ गए? अच्छा नेपाल आ गया, देखिए वो बोर्ड लगा है ऊपर उत्तरी भैंस का। ओ भाई जो जौन रास्ता से आए फिर ऊपर जाइए। हाँ उतर के ओवरब्रिज के नीचे से चला गए। अच्छा वो सीधा अररिया चला जाएगा, तब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई साहब ये तो यार बोला गजब हो गया यार, ये गूगल मैप के ऊपर भी भरोसा करने वाला नहीं है यार। अरे नहीं भाई नेपाल नहीं जाना है, अभी नेपाल जाना था लेकिन अभी नहीं जाएंगे। किशनगंज 89, अररिया 109, बहुत सही, चलो सही है।
सही है, सही ट्रैक पे है। तो इसी के साथ में इंटर हम कर चुके हैं बिहार और वेस्ट बंगाल। टाटा बाय बाय, सिलीगुड़ी टाटा बाय बाय। सो अररिया, अररिया में क्यों चिल्ला रहा हूँ, अररिया भाई वो एक पॉइंट है, वो एक जगह है जहाँ से नेशनल हाईवे आपको दरभंगा और लखनऊ वाला नेशनल हाईवे कनेक्ट हो जाता है। 10:30 बजे निकले थे सिलीगुड़ी से और अराउंड 12:30 हो रहा है। सिंगल लेन रोड है तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पहुंच चुके हैं अभी अररिया से पहले 8 किलोमीटर पहले। टैंक फुल कराना ज़रूरी है क्योंकि भाई 3 डंडी बचा हुआ है सिर्फ। चलते चलते भी वो भी एक ही डंडी शो कर रहा था, तभी हमने सोचा किला डलवा ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। मतलब बिहार गवर्नमेंट का पूरा टैक्स जो है वो पूरे पेट्रोल पर ही वसूल कर रही है, पेट्रोल से ही वसूल करेगी क्योंकि दारू तो बंद है, वरना उधर से टैक्स वसूला जाता भाई साहब 108 रुपए लीटर। सो अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 27 और गूगल चाची हमको क्या कह रही है कि इंटरनेशनल हाईवे 27। भाई साहब बताइए, इंटरनेशनल हाईवे बना दिया इसको। सो दरभंगा बचा हुआ 103 किलोमीटर, झंझारपुर बचा हुआ 64 और टाइम हो रहा 2:03, कोसी महासेतु पड़ेगा 19 किलोमीटर, पटना पड़ेगा 239 किलोमीटर। ये तो थी डिस्टेंस अपडेट। क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो सिलीगुड़ी से निकले थे 10:30, टाइम हो रहा 2:03, अभी भी दरभंगा बचा हुआ है 103 किलोमीटर, अराउंड 210 किलोमीटर के आसपास मैंने कंटिन्यू कवर किया है। और बिहार में भाई साहब ये स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा चलते हैं भोकाल मचाने के लिए, हमको लगता है सर 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, 1 लीटर 86 ग्राम। अरे 200 रुपये का डलवाने का भी एक रीज़न है क्योंकि 200 रुपये में हम पहुंच जाएंगे यूपी के अंदर, यूपी के अंदर पहुंच जाएंगे तो भैया वहाँ पे रेट भी अच्छा है, 107 रुपये में फुल टैंक कौन कराएगा। सुबह 11:30 बजे मैं निकला था, अभी टाइम हो रहा 7:11, पहुँच चुका हूँ यूपी बिहार बॉर्डर। क्या ही बात, आज बहुत ही ज़्यादा राइड करने का मन था। लखनऊ बचा हुआ 367 किलोमीटर, गोरखपुर 127 किलोमीटर। क्या ही बात, क्या बात है, मतलब इतने दिन से भाई क्या बताएं। पहाड़ों पे राइड करते करते जहाँ पे प्लेन रास्ता मिला राइड करने का मज़ा आ गया, आज तो बिल्कुल भरपूर राइड किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, शाम का बज रहा है 7:17 और ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। कुशीनगर 45 किलोमीटर, गोरखपुर 97, लखनऊ 366, यानी कि टाइम तो बहुत लगेगा। ये चाचा क्या हो गया इनको, क्या हो गया चाचा, उठवाएं क्या चाचा, क्या हो गया, गिर गई ऊपर करवा दें, अरे रोड पे करवा दें इसको। हाँ मोबाइल गिरा है, मोबाइल तो गिरा है, अरे ये लीजिए मोबाइल लीजिए, रुकिए छोड़िए छोड़िए, इसको ऊपर कर देते हैं। कैसे गिर गए, चकमगा गया है, चकमगा गया, चकमगा गया, किधर जा रहे थे, ये रॉन्ग साइड उल्टा साइड कहाँ जा रहे थे, क्या है चाचा लगे भी होगे तो क्या ही बताओगे, पीके बैठे हो, एक तो पीके चला रहे हैं ऊपर से रॉन्ग साइड चला रहे हैं, खंती में घुस गए, बताओ चाचा। अच्छा अच्छा वहाँ खड़े होके मुँह तरह बताइए, हम इनको उठाने के लिए आए, चाचा का टैंकर फुल है, अपना टैंकर खाली कर रहे हैं चाचा, और कुछ तो नहीं गिरा, जाऊँ जाऊँ मैं, रुकूँ, चोट लगा है ना आपको, हाँ एक तो आप उल्टा साइड जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर रूम है आपका, अच्छा और पिए भी हैं हमको लग रहा है, अब थोड़ा सा पिए हैं, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पिए हैं। ये देखिए चोट लगी नहीं लगी, और रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उधर साइड में गिर गए जाके, चला गया, अरे अच्छी बात नहीं है ये, एक तो रात में भी चला रहे हैं और ऊपर से पी के चला रहे हैं और ऊपर से रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उल्टा साइड जा रहे हैं, देखें
लगा है। कितने दूर है? बस यही एक किलोमीटर। एक किलोमीटर आराम से जाइएगा। करिए स्टार्ट करिए। एक तो बिक्की है, कैसे स्टार्ट होती है मोपेड? करिए स्टार्ट करिए। अरे चाचा इतने बड़े हो क्या आप गलती कर रहे हो? यही यही आ रहे हैं। अरे कहीं से भी आओ, आप उल्टा साइड से आ रहे हो, अभी कोई ठोकर मार दे। हो गया ठीक है चाचा, आराम से जाना। अभी भी रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं हम। देखे चाचा यहाँ फैले पड़े, बताइए। उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है और क्या ही एंट्री हुई है चाचा को फैलते हुए मैंने देखा, बताइए। चलो कोई नहीं, पहुँचते हैं कुशीनगर। 45 किलोमीटर भी बचा हुआ है, 7:24 हो रहे हैं। करीब करीब 550 किलोमीटर 568 किलोमीटर कवर करने के बाद हम आ पहुँचे हैं कुशीनगर। और कुशीनगर सिलीगुड़ी से 568 किलोमीटर है, लखनऊ यहाँ से बचा हुआ है 357 किलोमीटर यानी 350। हम सोच रहे कि कवर कर लेते हैं तो लखनऊ जाके आराम से फिर 2 दिन स्टे कर लिया जाएगा। लेकिन आज जो राइड हुई है बहुत ही अच्छी, और बहुत दिन बाद पहाड़ों से उतर के, करीब करीब 38 दिन पहाड़ों से उतरे, तो प्लेन रास्ता जैसे स्ट्रेट रोड मिली है ना भाई साहब, मज़ा आ गया। तो यही रुके हुए चाय नाश्ता कुछ करने के लिए, तो हमारे साथ में भाई साहब पूछ रहे हैं क्या करते हो, क्यों इतना टहलते हो, कोई ज़रूरी है? क्या नाम है आपका? रमा शंकर भारती। अरे वाह, क्या नाम है? ओम प्रकाश पटेल। और ये देखो क्या नाम, जुनैद अंसारी। हाँ। पवन। इनको फ्रंट पे लगे लेकिन आप फ्रंट पे आने से पहले आपका पेट फ्रंट पे आएगा, इसीलिए तो बोल रहे मनोरंजन टाइप का हो जाएगा दर्शकों का। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपका पेट पहले आएगा, बहुत ज्यादा फूला हुआ है भाई कितना खाते हो? नहीं खाते नहीं, दिन में हम लोग की तरह खाते हैं लेकिन शरीर ऐसा हो गया। बुरा मत मानना, मजाक कर रहे हैं यार भाई, कमेंट में ऐसे मत बोलना कि यार बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मजाक, हम लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। और बताएं कुछ कहना चाहेंगे? सही, तो यहाँ पे रुके हुए थे, चाय नाश्ता भी थोड़ा सा हुआ और रेस्ट थोड़ी देर ले लिया। तो अभी तक बहुत ही अच्छी राइड चल रही है। रात का बज रहा है 10:23, उतना ज़्यादा फॉग नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पूरी रोड बिल्कुल साफ दिख रही है, ऐसे देख सकते हो, डिपर में चला रहा हूँ तो आप ऐसे देख सकते हो, बिल्कुल साफ रोड है। ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि यार बहुत ज़्यादा फॉग होगा तो नहीं चल मिलेगा, तो हम मैं रुक जाऊंगा कुशीनगर में। सो कैसे बताएं, किस तरीके से बताएं भाई, सुबह निकला था सिलीगुड़ी से 11:30 और रात में मैं पहुंचा हूं 2:00, यानी कि आप समझ सकते हो पूरी आधा दिन और आधी रात, तो रिकॉर्ड तोड़ राइड हुई है। सिलीगुड़ी से लखनऊ की जो डिस्टेंस है 880 यानी कि 880 किलोमीटर मैंने कवर किया है अराउंड 14 आवर्स में। अच्छा पैच था और रात में उतना ज़्यादा फॉग नहीं था, वरना मैं राइड करता नहीं। तो कुल टोटल डेज भी मैं बताऊंगा, कुल टोटल बजट भी मैं बताऊंगा, कितना क्या कैसे किस तरीके से हुआ है। इस वाले ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ कर दूँ एंड, और एंड करने के बाद मैं फिर आपको लखनऊ से लखीमपुर तक और लखीमपुर मेरा होम टाउन। ये ब्लॉग भी स्टार्ट हुआ था पाठशाला में, सिलीगुड़ी में स्टार्ट नहीं हुआ, पाठशाला से सिलीगुड़ी आया था, सिलीगुड़ी से फिर अगले दिन मैंने फिर ये इस ब्लॉग में अगर कंटिन्यू, अगर आप राइड देखो तो अराउंड 1100 या 1200 समथिंग राइड पूरी होगी। लेकिन ये अगर मैं इस वाले ब्लॉग को काउंट करूँगा तो काउंट करूँगा सिलीगुड़ी से लखनऊ तक, ये ब्रीफिंग देना ज़रूरी था। और जो हमारे साथ में शुभम भाई थे वो सिलीगुड़ी में रुके हुए हैं अभी भी, और वो अपना कुछ काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे वो गैंगटॉक और सिक्किम और उधर साइड में। तो बाकी आप लोगों को भी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तो अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। व्हाटसोएवर रीज़न, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर और कमेंट।
ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।